उसके जो बैंक के खाते उनके पास रहा करते। जो विधायक जी ने किरण चौधरी ने पूछा, मैं एक एक का जवाब आपको विस्तार से दूंगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पॉलिसी लाए हैं, आम आदमी को न्याय मिले, पहले जैसे पढ़े लिखे युवाओं को कम वेतन, भविष्य के साथ खिलवाड़ युवाओं का शोषण। ये किरण बहन जी ने कहा है कम वेतन, निगम वेज रेट डीसी रेट से ज्यादा है, ड्राइवरों को पंचकुला में पहले डीसी रेट 19,953 रुपए मिलते थे, अब निगम वेज के तहत 20,590 रुपए मिलते हैं। पहले युवाओं को निजी ठेकों के द्वारा शोषण होता था, ठेकेदारी प्रथा के तहत शोषण करते थे ठेकेदार, और निजी ठेकेदारों के तहत अनुबंध कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता था। जो बार बार हम किसी स्कूल में जाते थे या किसी अपने जैसे आईटीआई की बात करूं या रोडवेज की बात करूं या स्कूल जाता हूं, उन सफाई कर्मचारियों थे साइन तो कराते थे 12,000 रुपए में देते, उनको 6,000 रुपए थे। तो बार बार आरोप प्रत्यारोप पूरे प्रदेश में लगते रहते थे, इस तरह से होता आया है। और कर्मचारी सफाई के लिए अपने हक मांगता, आज कर्मचारी के सीधा पैसा उसके खाते में जाता है। और उसे कोई आज हरियाणा में जिसने निगम बना है, एक भी हरियाणा में किसी ने ये नहीं कहा मुझे समय पर पैसा नहीं मिले, मुझे पूरी तनख्वाह नहीं मिली। मैं एक एक कर पहले तो रोज दिन आए दिन यही कहता और इसी सदन में आरोप लगते थे। पहले युवा ठेकेदारों का शोषण होता था, ठेकेदारी प्रथा का शोषण, और निजी ठेकेदार द्वारा कम वेतन दिया जाता था। निजी ठेकेदारों के लिए ईपीएफ ईएसआई आदि उचित सुविधाओं के समय अनुसार नहीं दी जाता था, दी जाती थी। इन अनियमितताओं के विसंगताओं को दूर करने के उद्देश्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। इसलिए हरियाणा कौशल रोजगार गठन के हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में काम के लिए दिए जाने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को भर्ती के लिए किया गया है। भर्ती के दौरान गरीब जो अंतिम व्यक्ति जो गरीब आदमी है, जिस आदमी के पास 1,80,000 से कम है, 1,00,000 रुपए अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उस गरीब व्यक्ति का कैसे उद्धार हो? उस गरीब व्यक्ति को नौकरी सरकार की सेवा करें, बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा को घर पे नहीं है, वो बेचारे को कोई सहारा नहीं मिलता था। जो आसपास के हमारे लोग थे वही लोग उसमें डीसी रेट में नौकरी लगते थे कि गरीब आदमी को कैसे न्याय मिले, गरीब आदमी के परिवार का कैसे गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अंतिम व्यक्ति जो गरीब पंक्ति में खड़ा है उसका उद्धार कैसे हो और उसका कैसे उत्थान हो, तो भर्ती के दौरान गरीब अंतो परिवार युवाओं के रोजगार उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है। वर्तमान में कार्य कर्मचारियों में से कई बोगस कर्मचारी मिले और उनसे निकलकर बाहर आए हैं। पहले भर्तियों में पारदर्शिता नहीं है, हमारे साथी ने आरोप लगाया है, बहन किरण ने, अपने चहितों को एडजस्ट करना है। मैं आपको जानकारी देता हूं अध्यक्ष जी, सभी भर्तियां सरकार के तय डिप्लोमेट आप कंट्रोवर्शियल पर्सन पॉलिसी 2022 से मनाई है, 30 जून 2022 के तहत वो साइट पे है, इस कार्यालय सरकार की वेबसाइट पे उपलब्ध है। सभी भर्तियों के पूरी तरह से पारदर्शिता है, आप जाके देख सकते हैं, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के उसमें एक ऑनलाइन पॉलिसी के तहत के निर्धारित मापदंड भी हर पैरामीटर लाइन पे आप जाके देख सकते हैं, एक एक जानकारी आपको उपलब्ध मिलेगी और कोई बिना जानकारी के उसमें नहीं होगा। एक दूसरा और का है, सरकारी ठेकों को प्रथा बढ़ावा, युवा मानसिक शारीरिक आर्थिक तौर पर पीड़ित करना सरकार पर आरोप लगा। युवाओं को जो निजी ठेकेदार थे जो शोषण करते थे, ईएसआई पीएफ नहीं मिलना, 12,000 मिलना, 6,000 गोजा में रखना, तय करना, तय बाजारी करते थे, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया कि जो असली जो कर्मचारी है उसके गोजे में पैसा जाए और उन लोगों को मुक्ति। बेरोजगारों का जो बेरोजगार जो लोग थे जिनको बेरोजगारी थी, जिस पर काम नहीं था, जो आदमी रोटी के लिए कपड़े के लिए तरता था, उन बच्चों को एक पॉलिसी प्रदेश के मुख्यमंत्री आई कि उससे क्या है कि उनको जो युवाओं का जो शोषण होता था वो खत्म किया। एक आस की एक नई किरण की कि लोगों को भरोसा विश्वास हुआ है कि हमें कौशल विकास निगम में नौकरी मिल सकती है और ईपीएफ और ईएसआई की आदि सुविधाएं जो जिसको ठेकेदार खा जाता था, जमा ही नहीं करता था, और जमा करके उसके खाते में ये ईएसआई और पीएफ दोनों ही उसके खाते में डालने का काम है।
एक और आरोप लगाया, आनन फानन बिना किसी प्रक्रिया के पालन की गई भर्ती है। नौकरियों की जानकारी निगम पोर्टल पर है, कोई भी जानकारी अपलोड है, और जब भी हम नौकरी समाचारों से पात्र के माध्यम से पूरी जानकारी दे, सभी भर्तियों में सरकार के द्वारा तहत डिप्लोमेट ऑफ कंट्रोलर पर्सन पॉलिसी 2022 का पालन है। युवाओं को भर्ती सरकार द्वारा तय गई नीति के तहत है, ऑनलाइन पोर्टल द्वारा पारित तरीके से है, उल्लेख हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर है। हाल ही में टीजीटी और पीजीटी भर्ती, दूरदराज के स्टेशन, कम सैलरी, कच्ची नौकरी, पेंट, इस तरह के आरोप, पोस्ट खाली हैं 200 किलोमीटर, ये आरोप हमारी बहन करने लगा है, इसकी भी जानकारी मैं देता हूँ। उम्मीदवारों का पंजीकरण करते समय अगर मुझे नौकरी चाहिए, मैं जिले से फरीदाबाद मेरा जिला है, मैं 3 जिले लिखूंगा, आसपास 3 जिले लिखेगा, 1 2 3 3 जिलों, अधिकांश उम्मीदवारों को उनके गृह जिले, पहले गृह जिले, गृह उनकी वीरता के अनुसार स्टेशन का आवेदन वहीं होगा। विभिन्न जिलों में उपलब्ध सीटों की संख्या, पंजीकृत उम्मीदवार संख्या के बीच में अंतर, कई बार कैंडिडेट ज्यादा हैं, पोस्ट कम है, अगर पोस्ट ज्यादा है, कैंडिडेट उस जिले में नहीं है, दूसरे जिले का वहां जाकर होगा, ये भी सारा ऑनलाइन सारी है। विभिन्न जिलों को सीटों की संख्या, उम्मीदवार संख्या के बीच के अंतर, कितना अंतर है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कोई आदमी मुझे जिले फरीदाबाद से मैंने दिया, मुझे मेवात मिल गया, मेवात ने मुझे पलवल मिल गया, तो ये कि जो उसमें है, अगर अपने जिले पूरे हो जाते हैं दूसरे जिले में चला जाता है। और गृह जिले उनकी वीरता के अनुसार सीटों की उपलब्धता न होने से दूसरे जिलों में अधिकांश सुलभता होने के कारण कुछ उम्मीदवार दूर के स्टेशन आवंटित होते हैं, जो अपने जिला नहीं मिला दूसरे जगह जाएंगे। और एक आरोप और लगाया हम पे, दलित और पिछड़े वर्ग को आरक्षण सही ढंग से पालन नहीं हुआ। आप तो कंट्रोलर पर्सन पॉलिसी 2022 क्लॉज नंबर 9 आरक्षण पॉलिसी का उल्लेख है, वर्तमान में भर्ती निगम द्वारा आरक्षण पॉलिसी का प्लान है, हमारे 1 लाख कर्मचारी आज नौकरी कर रहे हैं पॉलिसी के तहत, जिसमें 40,045 जनरल से हैं, बैकवर्ड से 26,629, शेड्यूल कास्ट से हैं 30,170, और जो नई है उसमें जनरल में जैसे मान लो 3170 अभी हमने किए हैं, उसमें 1301 जनरल में, बैकवर्ड में 655 और शेड्यूल कास्ट में 1214। तो मेरे मानने है कि हमने कोई भी क्राइटेरिया उसको लिया है, जहां जनरल 41% है, जहां बैकवर्ड 27% 2 है, जहां शेड्यूल ट्राइब 31.4 है। तो मैं मान के चलता हूं कि जो भी पॉलिसी जो है अपने जो इससे पॉलिसी कौशल विकास निगम एक एक पॉलिसी के तहत है, और हम जिस भ्रष्टाचार बार बार आरोप लगता था किसी विधायक एमएलए का, उसने अपने चहेते लोगों को लगा दिया, उसने फरीदाबाद लगा दिया, उसने हिसार लगा दिया, उसने आदमपुर लगा दिया, सिरसा लगा दिया, रोहतक, आज जिस जिले के पढ़े लिखे नौजवान साथी जिस जिले में है, पहले उसको भर्ती मिलेगी, बाद में दूसरे जिले को मिलेगी, जो बार बार पूरे हरियाणा प्रदेश में आरोप लगते, उस भ्रष्टाचार को खत्म किया है। उस भ्रष्टाचार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो भ्रष्टाचार के जो लीकेज थे उनको बंद करने का काम किया, ठेकेदार बार बार उसको खाते थे, ये SIPF को खाया थे इस बात के लिए। और मैं ये नहीं कहता आप जाकर पूछे गरीब आदमी को, अंतिम व्यक्ति जाकर पूछे ना किसका बेटा नौकरा, वो अपनी योग्यता के आधार पर लगा है। और उसके जो जो इन्होंने कहा है, एक मिनट बंद कर दीजिए विधायक जी, रुक जाइए, बता देता हूँ, एक जरा राखिए, और ये कहा कि पारिवारिक आय, तो इसमें 150 नंबर का जो दिया है वो भी जानकारी देता हूं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अगर 1,80,000 से कम है, 1,80,000 वाले को 40 नंबर मिलेंगे, जो 1,00,000 से कम है उसको 50 नंबर मिलेंगे, जो 1,80,000 से 250 रुपए का उसको 30 अंक मिलेंगे, जो 2,50,000 से 4,00,000 उसको 20 अंक मिलेंगे, जो 4,00,000 से इसकी कमाई 6,00,000 तक है उसको 10 अंक मिलेंगे। और फिर मैंने पूछा उम्र की छूट, जो कि
जिस उम्र में है कई बड़ा है छोटा नहीं बुलाते, जो 18 साल से 24 वर्ष तक उसको 5 अंक मिलेंगे, जो 24 वर्ष से 30 वर्ष तक है उसको 10 अंक मिलेंगे, जो 30 से 36 अंक है उसको 15 अंक मिलेंगे, जो 36 वर्ष से 42 वर्ष का उसको 10 अंक मिलेंगे, जो 42 वर्ष जिसकी उम्र की उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको जीरो। और ये भी कहा है कि भी पूछा है अपने जो क्वालिफिकेशन रिकल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी मांगी है, 20 अंक तक दिए जाते हैं जिनमें रिकल और सर्टिफिकेट जो कि एनसीबीटी और सीसीबीटी के से आई, जैसे कि आईटीआई से किसी को एसबीएसयू यूनिवर्सिटी से मांगी गई पोस्टों के हिसाब से डिप्लोमा है डिग्री है उसके हिसाब से जैसे सॉरी इकोनॉमिक के हिसाब से 5 अंक देने का दिए जाएंगे, जिसमें विधवा है कोई दूसरा बच्चा उसका बेटा पिता 42 साल की उम्र में चला गया उसको 5 नंबर देने का काम करेंगे, या बच्चा छोटा 12-15 वर्ष की आयु है और पिता का स्वर्गवास हो गया उसको 5 नंबर देने का सरकार ने काम किया है, जो बच्चा कॉमन एक्ट टेस्ट में पास कर लेगा उसको 10% छूट दी जाएगी, जो बच्चा उसी जिले का रहने वाला हो उस जिले में पोस्ट निकलती है 10 अंक उसके अतिरिक्त रूप में दिए जाते हैं। ये प्रदेश की सरकार की एक कौशल विकास निगम योजना इसलिए बनाई है अध्यक्ष जी, जो भ्रष्टाचार में जो आरोप लगते थे, और मैं तो जिला फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और मैंने तो भोगा है, मैंने तो देखा है, जिला फरीदाबाद के डीसी रेट का बच्चा नहीं लगा करता था पलवल फरीदाबाद का, हम पे तो बाई ईयर आते थे और बाई ईयर कर नौकरी अपने घर चले जाते थे ज्वाइन गए। आज इस पॉलिसी से लाभ है, अगर जिस जिले में बच्चा नौकरी लगेगा अगर उसको वहाँ बच्चे हैं मास्टर हैं 10 नंबर उसको मिलेंगे, पहले उसको फरीदाबाद नहीं मिलेगा तो पलवल मिलेगा, पलवल नहीं मिलेगा गुड़गांव मिलेगा। तो इससे क्या है कि पूरे प्रदेश के बच्चों नौजवान साथियों को लाभ मिलेगा, ये पॉलिसी प्रदेश के हित में है, लोगों के हित में, नौजवान साथियों के हित में है। तो मेरा ये अध्यक्ष जी जवाब है, बाकी तो मैंने हर चीज को छूने का प्रयास किया है जो मेरी कौशल विकास निगम से है। धन्यवाद जी अध्यक्ष जी, एक बार सप्लीमेंट्री अंदर पूछना है मेरे को, सप्लीमेंट्री तो पूछना था अध्यक्ष जी। बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो अभी भी ग्रे एरिया के अंदर हैं, और वो मैं आपसे खास तौर से पूछना चाहूंगी कि जो पीजीटी की जो एडवर्टाइज करी गई थी सरकार से पोस्टें थ्रू एचएसएससी और बाद में विड्रॉ कर ली गई थी क्योंकि एज दे हैड कम अंडर द गैजेटेड ग्रुप ऑफ ग्रुप बी, अब खाली एचपीएससी जो है वो कॉम्पिटेंट था इसको रिक्रूटमेंट्स के लिए, अब इसको इनमें से निकाल कर हरियाणा कौशल रोजगार योजना के अंदर इसको डाल दिया गया है, तो इन लोगों का जो है इसका मतलब ये आगे ये आप इसका रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। दूसरी बात अध्यक्ष जी, ये आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये मेरिट की बात बहुत विस्तार से बताई है, ये आप इसको जो है इसको पारदर्शिता अगर है तो पूरी तरह से इसको दर्शाना चाहिए, इसको लगाना चाहिए कि आपके जो है पब्लिक डोमेन के अंदर इनको आप दीजिए ताकि पता चले सबको। अब मैं आपको अपने हलके की एक बात बताना चाहती हूँ, एक बहुत ही गरीब औरत है, उसका बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैंने सारी जगह फोन कर लिए उसके बारे में, उसका जो है उसको दिया नहीं गया क्योंकि किसी और का जो है वहां से जो है सिफारिश आ गई और वो कर दिया गया। तो इस तरह के जो लोग रह गए हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं और जो अधिकारी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई आप करेंगे। दूसरी बात अध्यक्ष जी, ये जो है 1.82 लाख वैकेंसीज हैं वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो अभी हमने भरनी, और ये जो है आपने 4,144 पर्संस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो है हमने लगाए हुए हैं एज टीजीटी एंड पीजीटी थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम। सो ये वाली की सारी जो हैं ये पोस्ट जो भरनी चाहिए थी एचपीएससी और एचएसएससी से, ये पोस्ट जो है आप इस निगम के जरिए भर रहे हैं जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, तो आने वाले समय के अंदर इन बच्चों का गारंटी क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया कि इनको जो है ये जो रोजगार मिला है वो इस तरह से मिला रहेगा। और फिर अध्यक्ष जी साथ की साथ अध्यक्ष जी, ये जो है इनका जो है जो आप
आपने जो रेगुलर भर्तियां जो आप करेंगे HSSC से और HPSC से, तो ये जो TJEE, ये जो PGT और TGT के जो आपने लोग लगाए हैं, इनका क्या होगा? साथ की साथ जो औरतें विमेन हैं, महिलाएं हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। 22,000 रुपए की नौकरी है, वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको कम से कम दे दीजिए। एक तो पक्की नौकरी नहीं है, कच्ची नौकरी है, और फिर आप उनको होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजते हैं तो उनके बहुत जबरदस्त परेशानी होती है। तो कम से कम विमेन के लिए तो जो है ये क्राइटेरिया जो है इसको जो है आपको थोड़ा सा जो है वो करना पड़ेगा। साथ की साथ अध्यक्ष जी, ये मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हमारे जो हैं जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो प्राइवेट एक्सपीरियंस वाले, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सरकारी काम के अंदर काम नहीं करा है, कोई DC रेट पे नहीं लगे, कोई और नहीं लगे, लेकिन जो है उनका एक्सपीरियंस और बहुत है और सरकार की के उसके अंदर जो है वो नौकरी करना चाहते हैं, ये रोजगार योजना निगम के तहत आना चाहते हैं जहां पे उनको 30,000 रुपए मिलेंगे। तो ये जो है प्राइवेट जो एक्सपीरियंस है, ये भी आप इसके अंदर आप ले रहे हो, या जो प्राइवेट एक्सपीरियंस वाले बाहर के लोग हैं उनका उनको नहीं लिया जाएगा? ये बहुत जरूरी है अध्यक्ष जी। इसी तरह से वो जो कंडक्टर्स जो हैं, जो आज जो बाहर धरने पर बैठे हुए हैं इतने सारे, उनको जब कहा गया था कि उनको लिया जाएगा, उनको भी इसके अंदर नहीं लिया जा रहा, जब सरकार का उन्होंने काम किया हुआ है और सरकार के बुरे वक्त के अंदर जो है वो काम जो है काम आए हुए हैं। तो अध्यक्ष जी, ये सारा का सारा जो है, और ये कैप जो आपने लगाया, ये हमारे बच्चों को मालूम चले कि ये जो 30,000 रुपए का आप दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कैप आप लगा रहे हो इसमें फिर आगे बढ़ने का तो कोई सिलसिला ही नहीं रहता। जो इसके अंदर आ गया बेचारा, वो तो सारी उम्र भर तक जो है बुढ़ापे तक जो है सफेद बाल हो जाएंगे, दांत टूटने लगेंगे, सारा वो होगा, तो पढ़ाई लिखाई जो करी है नहीं करी है जो भी है वो 30,000 तक अटक के रह जाएगा। तो इसका भी कोई प्रावधान आप कीजिए, और ये सारा का सारा काम केवल जो है आप अगर ये मापदंड बनाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत ही हो सकते हैं। सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर दिस आइडिया ऑफ कहते फॉर्मिंग दिस एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सो दैट नोबडी इज टेकन फॉर अ राइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं इनके ऊपर जो है आप मुझे इसका जवाब दीजिए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से अध्यक्ष मांगती हूँ। इकट्ठा देंगे या ये बीच बीच देंगे? श्री बलराज कुंडू जी। नहीं नहीं, ये जो मैंने आपसे पूछा है ये इसके जवाब नहीं आए, आप बाद में दीजिए। ये देंगे इकट्ठा।